आइलैट सेंटर ते गोली चलती है, शीशे टुटते हैं, पर वो लोग मौके तो फरार हो जाते हैं। अन्नी गुत्थी सुलझाई है पुलिस ने, तिने नौजवान जिहड़े आ इस दे विच इनवॉल्व सी गिरफ़्तार कर लिया है, हथियार भी गिरफ़्तार कर लिया। गलबात करांगे कि हथियार कितना रिकवर किया, कितनी मुशक्कत करनी पई, और ये तिने लोग है कौन और क्यों गोली चली। एस एस पी साहब, गोली चलती और लोग फरार हो जाते, किन्ना कठिन सी, किन्ना चैलेंजिंग सी इन्हां नूं गिरफ़्तार करना? ये देखो जी, नकाबपोश से दोने जो ये कल्प्रिट से जिन्होंने गोली चलाई सी, ये पुलिस वास्ते बहुत ही चैलेंजिंग दा केस सी। जिवें लेकिन पहले भी तुसी देखिए पटियाला पुलिस का इस तरीके दे बहुत वारदात है गई, जो बहुत मुश्किल सी, लेकिन टीम जो अपने इत्थे दी लोकल टीम है उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल इहनूं बहुत ही कम समय दे विच जो हैगा ट्रेस कीती सी। आ केस दे विच भी कम करदे हुए टैक्निकल ते उत्थे ज़्यादातर अपना फोकस रहिंदा, टैक्निकल और ह्यूमन इंटैलीजेंस ते इन्हां ते फोकस करके फिर आपां एक हफ्ते दे अंदर उहदे विच टीम साडे बहुत लगे, मतलब तकरीबन 25 लोग इस कम ते लगे रहे और एक हफ्ते तक उन्होंने दिन रात का अपना कम चलता रहा। उस तो बाद फिर असी तीन जो ये अक्यूज़ है उन्होंने अरेस्ट किए हैं, एक महकदीप हैगा, एक जगदीश हैगा और एक पारस हैगा, इन्हों राउंड अप कर लिए है। ये तीनों ही जो है 22-23 साल का नौजवान ने और ये आईलेट्स पढ़ रहे थे और हुण तक दी इन्हां दे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आए। इन्हों इन्हों का एक दोस्त जो नाल दा ही दोस्त है हुण जो ये बाहर बैठा, उन्हें इन्हों दस्या सीगा कि ये जो इदा दा जगह हैगी आ बटाले दे विच, इन्हां दे नाल मेरा मतलब परसनल दुश्मनी हैगा, तू यार दे वास्ते ये कम कर लो। तो इन्हों गुमराह किया गया, इन्हों 15,000 रुपये दिती गई, तो उन्होंने कहता कि तनु कुछ करन दी लोड़ नहीं हैगी, उत्थे एक फलाना थां हैगा उत्थे तनु असला मिल जूगा, तुसी बस एक गोली चलानी है, डराउणा हैगा, वापस लिया के उत्थे रख लियो, फिर तुहाडा कम हो जूगा, तनु पैसे भी मिल जाणा। तो ये उस ये यारी दे विच आके और जो हैगा अपना 10,000 रुपये 15,000 रुपये नू लैके फिर ये कम कर गए जी। इस हथियार की गल की जाए या फिर जिहड़ियां इन्हां को वहीकल्स रिकवर कीतियां गईयां ने उह वी बाहर वाले लड़के ने इन्हां नू मुहैया करवाईयां कि जां खुद दा इन्हां दा? इन्हां दी वेपन जो हैगा वो बाहर दी हैगी जी, और जो इन्हें मतलब बाहर वाले ने प्रोवाइड कराई हैगी, ये इत्थे लोकल मेड हैगा, ये इलीगल वेपन हैगा, देसी पिस्टल, और जो गड्डियां सी इन्हां दी परसनल सी, उन्होंने लग्या कि इन्हें मतलब बहुत इन्ना वड्डा कम नहीं हैगा, आपां जाके होके आ ही जाणा, तो फिर इन्हें अपना परसनल गड्डी वरती सी जी। फैमिली बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल है या इन्हों का अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाल तक इन्हों का क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं आया, फैमिली भी इन्हों है नहीं जी क्रिमिनल बैकग्राउंड का, क्योंकि वो सारे मतलब पैली मतलब किसी का एक किले पैली है, किसी का अद्धा किले पैली है, वो अपना काम कर रहे हैं हरीके जो तरन तारण जिले के है। पता चल सके कि जो बाहर वाला इन्हों का दोस्त से उन्हें क्यों इन्हों को वारदात को अंजाम दवाया? नहीं जी, ये हाले तक इनू भी नहीं पता कि उन्हें दसिया नहीं कि उन्हें इदा ही गलों से दसता, तो फिर उन्हें यह काम मान लिए थे, बट इनू पूरा डिटेल नहीं पता है कि क्यों करवाया है। सब एक गल ये केस सैपरेट हो गया चलो, लेकिन एक गल कि बाहर वाले विदेश बैठे कोई भी लोग ने वो इतने के नौजवानों गुमराह करते हैं, जिस तरह इन्होंने थोड़े जे पैसों लिए इन्नी वड्डी वारदात को अंजाम देता, जबकि इन्हों का जो भविष्य बदलने वाला से, अजे पूरी लाइफ पई सी, पर इस तरह का गुमराह हो गए, उन्होंने नौजवानों को भी कहना चाहोगे जेडे इस तरीके दे नाल लोगों दी गल्लां च आ जांदे? बिल्कुल जी, एक मेरी अपील हैगा कि जिवें अपने बच्चों एक अवेयर होने का लोड़ हैगा, फैमिली नू अवेयर होने की लोड़ हैगी है कि जदों हुण तक दी जिन्हें भी असी केस देखे आ जिहदे विच नौजवान ने या पहली बार जो क्राइम करते हैं उन्हां नू ये नहीं पता होंदा कि इन्हें की किया, कम करन तक उन्होंने लगता है कि बहुत छोटी जी गल है, जो उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो फड़े जाते हैं उन्हें फिर उन्होंने दिमाग से आ जाता कि मैं की कर बैठा, कि इन्हों के फिर पूरा लाइफ जो है बर्बाद हो जाता है, क्योंकि एक बार परचा हो जाता तो फिर वह अगे कम वास्ते बड़ा औखा हो जाता जी, इतने कम लभना औखा हो जाता, या बहुत सारे बच्चे इदा दी है जो बाहर जाना चाहते हैं फिर उन्होंने बाहर जाना औखा हो जाता, तो जिथे भी जाओगे तो फिर वो फिर बहुत बहुत ही मतलब दिक्कत वाली गल हो जाती है, फैमिली वास्ते बहुत दिक्कत वाली गल होती है। तो ये करके जो भी इनू कोई इन्हों का यार दोस्त उन्होंने इनफ्लुएंस करने का कोशिश करता, असी मतलब जाके लोगों को कुटीए या इस तरीके का कम करिए जो मतलब गुंडागर्दी की कम होती है, उन्होंने ये समझने का बहुत लोड़ हैगा कि 2 मिनट का इस तरीके के कम करके उन्हों का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये करके अपने एक डिसिप्लिन से रहना और अपना एक अवेयरनेस से रहना बहुत जरूरी है। और ये राही एक जो चीज़ अपनी ये केस के जो सामने आई है वो ये हैगा कि जिवें बाहर जाने वास्ते जो ये जो हैगा अपना इमीग्रेशन सेंटर उन्होंने जो यूज़ करते हैं, और इदा दी बहुत सारे केस असी देखते हैं कि जिन्हें मतलब नहीं जी असी इन्नू 20 लाख दिते इन्हें ठगी मारता, 10 लाख दिते इन्हें ठगी मारता, सानू मतलब बाहर भेजना सीगा भेजा नहीं हैगा, या फेक डॉक्यूमेंट दी, इस तरीके के कम होंदा।
जो पहली क्वेश्चन असी उन्होंने पूछते हैं कि ये लाइसेंस होल्डर सेगा, उन्हें कहें नहीं जी सानू पता भी नहीं सेगा ये इन्हों को लाइसेंस नहीं सी। तो ये करके अपना एक जिम्मेवारी असी निभाइए कि जो भी अप्लाई करन जाने तो उत्थे ये पहली गल ये पूछ लेन कि ये क्या ऑथोराइज्ड ये इमीग्रेशन सेंटर हैगी है या ये ऑथोराइज्ड एजेंट हैगा जो तुहानू बाहर भेजन वास्ते इन्हों को सरकारी लाइसेंस हैगी। तो उसके बाद ही तो अपना जो इन्नी मेहनत नाल कमाई की हुई पैसे होंगे आ उन्हां तुसी इन्वेस्ट कर सकते हैगे, वरना की हो जाता है जी बहुत बारी असी देखिया किसी ने अपना पहली वेच के पैसे दे चुके होंगे ने, किसी ने बहुत ही अपना पूरा जिंदगी का कमाई होंगी है सेविंग्स नू ला के करते होंगे, जो फिर ये उन्होंने ठगी होंगी है या किसी ने इन्हों एक इधर इस तरीके का कम करते हैं तो फिर वो पैसे चुकाने वास्ते वो क्राइम के आ जाते हैं। और ये बहुत ही मतलब क्योंकि इट इज़ इलीगल एक्टिविटी, किसी ने लाइसेंस के बिना कम कर रहे हैं तो बिल्कुल इन्हों इनिशियल तौर पर या तू जरूरत पड़े ना पड़े या तो नॉलेज से आ जाता नहीं जी ये फलाना बंदा हैगा ये इन्ने इलीगली इस ये काम कर रहा हैगा, तुसी जरूर पुलिस को इनफॉर्म कर लो 112 ते तुसी डायल कर सकते हैगे, नहीं तो फिर तुसी आके सीनियर अफसर नूं दस सकते कि ये पर्टिकुलर बंदा है जी ये इलीगली इस तरीके का काम कर रहा हैगा, ताकि असी ये क्राइम होण तों पहले ही इन्हां नूं बंदे नूं फड़िए और वो अगे इस तरीके के जो नुकसान होण तों बचाइए जी।